एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम पप्पू था। वह बहुत दयालु और दूसरों की मदद करता था, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हो रही थी। पप्पू शादी करने के लिए काफ़ी कुछ करता था, लेकिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी। एक दिन जब वह रास्ते से बाजार जा रहा था तो उसने एक छोटी बच्ची को सब्जी बेचते हुए देखा। वह उस बच्ची के साथ बोला कि आपका नाम क्या है। उसने अपना नाम राधिका बताती है। लेकिन तुम्हें इतने पैसे क्यों कमाना है? कुछ दिनों से मेरी माँ बीमार है, उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारी माँ कहाँ है? चलो मिलते हैं। राधिका अपने पप्पू को अपने घर लाती है और उसे अपनी माँ के हाल बताती है। उसके बाद पप्पू राधिका की माँ को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि इसको काफी ज्यादा बुखार है। बाद में डॉक्टर राधिका की माँ को कुछ दवाइयाँ देता है। साहब, राधिका की माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी ना? डॉक्टर, हाँ, कुछ दिनों में राधिका की माँ ठीक हो जाएंगी। राधिका की माँ के इलाज के पैसे अपनी जेब से लेता और उन दोनों को घर ले जाता है। पप्पू भाई, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। उसके बाद पप्पू ने उनके घर खर्च के लिए पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। दो दिन के बाद पप्पू की शादी के लिए रिश्ता आता है और लड़के वाले पप्पू से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद पप्पू की शादी हो जाती है और वह अपने जीवन को खुशी खुशी जीता है। यह कहानी क्या शिक्षा मिलती है तो पर